ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 57 है और इसमें मिनिमम कॉस्ट आपको बताना है 1444 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का। पर यूनिट लेबर कॉस्ट 30 दिया हुआ है, पर यूनिट कैपिटल 40 दिया हुआ है और ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। ये आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ देखिए क्यू जो है, क्यू तो दिया हुआ है 1444, इसी यही आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। और लेबर कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 30 लेबर कॉस्ट है तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा लेबर पे कॉस्ट कितना होगा वो पता चलेगा आपको। और इसी तरह 40 को कैपिटल कितना यूज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया इसको प्रोड्यूस करने का। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ये आपका फंक्शन, मेन फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है, जिसे आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना है और ये कंस्ट्रेंट है कि आपको इतना ही प्रोड्यूस करना है। जैसे यूटिलिटी फंक्शन में ये यूटिलिटी हो सकता है और ये हो सकता है आपका बजट लाइन, या फिर उल्टा भी हो सकता है जैसा कि एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन हम लोग करते हैं। तो वो सब में बस यही होता है कि अगर कंस्ट्रेंट हो तो हम लेग्रांजियन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी हम लेग्रांजियन का ही यूज करेंगे। तो उसके पहले हम एक लेग्रांजियन फंक्शन बनाएंगे। चलिए लेग्रांजियन को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल ले लेते हैं और इसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ लेग्रांजियन फंक्शन बनाएंगे। लेग्रांजियन फंक्शन कैसे बनेगा, मेन फंक्शन को पहले हम यहाँ लिखेंगे जिसको हमें मिनिमाइज करना है। तो ये हुआ हमारा 30L प्लस 40 के मेन फंक्शन हुआ और बाकी ये कंस्ट्रेंट को हम लेमडा रख के तब करेंगे, जैसे प्लस और यहाँ पर हम लेमडा का साइन दे देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में इसे हम 0 के बराबर करके करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ एक समस्या है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ा है, फिर ये 100 आ गया, तो आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 100 को अगर आप इस साइड कर दीजिएगा तो ये फंक्शन हो जाएगा 14.44 इज इक्वल टू, ये पूरा आप इसे पूरा ले सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे आसानी से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 14.44 माइनस, उसके बाद इसे आप लिख सकते हैं क्योंकि तो लेग्रांजियन फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है 0 के बराबर करके। अब इसे इस साइड ले जाइएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये 0 हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पर लिखा जाता है क्योंकि अब ये 0 है तो इससे फंक्शन के वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन ये आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देगा। अब हम लेग्रांजियन फंक्शन कर लिए तो अब मिनिमाइजेशन हो या मैक्सिमाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है कि हम उसका फर्स्ट डिराइवेटिव निकाल कर उसको 0 के बराबर करें। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ हम पार्शल डिराइवेटिव लेंगे क्योंकि दो वेरिएबल है एल और के, तो उसके लिए हम तो इस तरह से पार्शल डिराइवेटिव को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसको अब पार्शल डिराइवेटिव करेंगे। पहले एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 30 होगा और उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा और फिर ये इसे कर इसका डिराइवेटिव कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सबसे पहले तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसी का डिराइवेटिव निकलेगा, माइनस होगा। फिर एल का करें तो 0.5 तो होगा ही, 0.5 आ जाएगा इधर और इसमें 1 माइनस हो जाने के कारण एल पर -0.5 पावर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लेमडा रहेगा, लेमडा तो रहेगा ही डिराइवेटिव में ये क्योंकि इससे मल्टीप्लाइड है। उसके बाद ये चीज़ रहेगी आपके पास पूरी, लेकिन अंतर क्या होगा, एल का जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, जैसे ये है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसे के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा और फिर माइनस वही 0.5 होगा और बाकी सभी सारी चीज़ें बस वही रहेंगी, बस थोड़ा सा जो एक्सपोनेंट है वो बदल जाएगा, जैसे इस बार एल में माइनस नहीं होगा, के में माइनस हो जाएगा पावर। तो ये हमारा निकल गया, ये फर्स्ट डिराइवेटिव हमने निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे दोनों को, ये मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का पहला कंडीशन है कि हम 0 के बराबर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस साइड लेके जा सकते हैं, यानी कि इसे हम हटा देते हैं और जब ये इस साइड जाएगा तो ये 30 के बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अब इसे हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमें जो निकालना था
वो निकल गया है ये इक्वेशन, अब हम इसे ही सॉल्व करके अपना बना लेंगे। तो ये इस तरह से बन गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड जब कीजिएगा तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, पहले हम इसे लिख लेते हैं। जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिएगा एक दूसरे से, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, और फिर आप इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि ये 0.5 खत्म हो जाएगा और ये लेमडा और 0.5 दोनों खत्म हो जाएंगे, और आपके पास कुछ ऐसे बचेगा, ऊपर ये बचेगा और नीचे ये बचेगा, इसको भी हमने लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए के में 0.5 है, इसमें -0.5 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -+0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 0.5 मिलकर फिर 1 हो जाएंगे, यानी ऊपर हो जाएगा के। इसी तरह एल ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा, तो ये इसका पावर प्लस हो जाएगा और दोनों मिलके एल हो जाएंगे, यानी 0.05 मिलकर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के बाय एल। तो ये हमारा निकल गया, ये रेशियो हमारा टोटल निकला। तो अब रेशियो का यूज करके हम अपना पूरा जो वैल्यू चाहिए उसे हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, हमें पहले के का कोई एक वैल्यू चाहिए, जैसे हम मान लीजिए कि के इज इक्वल टू, अब ये रेशियो है, के का वैल्यू नहीं निकला है अभी तक, तो के का वैल्यू हम इसको निकालते हैं कि अगर हम के को ले एल को इस साइड कर दें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा 3L/4, और हम इसे 0.75L भी लिख सकते हैं। तो अब जो के का हमारा वैल्यू आया है उसे हम मेन फंक्शन में रखेंगे, जैसे कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो ए है और इसी में हम एल का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ताकि फिर दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकें। तो अब यहाँ एल का हम वैल्यू रखें, के का हम वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू हमारा निकला था 0.75L, 0.75L, ये हमारा के का वैल्यू निकला था। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 0.5 जुड़कर 1 हो जाएगा, यानी एल पे पावर 1 होगा, लेकिन 0.75 पे पावर 0.5 रह ही जाएगा, यानी कि आप इसे ऐसे लिखेंगे 14.44 इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर 0.5 पावर को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 का मतलब ही होता है अंडर रूट, और उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं एल। ये हमारा पूरा बन गया। अब जब 0.75 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये एल का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है आपको सॉल्व करने में। तो ऐसे सिचुएशन अगर एग्जाम में आ गया है, क्योंकि इसका आप रूट निकालना पड़ेगा आपको, फिर इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर लें, जैसे कि 75 के कर सबसे करीब कौन है तो 1 होगा, हो सकता है आप यहाँ 1 ले लें और इसका भी अप्रोक्सीमेशन कर ले, क्योंकि इसका रूट की जरूरत आपको पड़ेगा, रूट निकालने का जरूरत पड़ सकता है, तो आप इसे 16 कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इसे 16 कर दिया, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है उसका नियरेस्ट वैल्यू हम जरूर ले लेंगे। हमने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन किया यहाँ पर, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। अब एक का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और फिर इसे हटा भी सकते हैं आप, अगर आप नहीं हटाते तो वही है कि इसको इसके नीचे ले जाके इसको डिवाइड करते और एल का वैल्यू निकालते। तो अब एल का वैल्यू हमारा 16 निकल गया है। अब हमें निकालना है के का वैल्यू, ये जो हमारा मेन फंक्शन था इसमें अगर हम एल का वैल्यू रख देते हैं तो हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है तो इसको भी हम 16 कर देते हैं, ये नियरेस्ट स्क्वायर रूट हो गया, और यहाँ एल का वैल्यू हमारा आया है 16, और 16 पे 0.5 पावर का मतलब होता है 4, क्योंकि 16 का मतलब होता है 0.5 पावर का मतलब होता है स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। अब आप 4 को इधर ले जाइएगा तो आपका कुछ ऐसा आएगा, के हो जाएगा और के इज इक्वल टू ये इस रूट है स्क्वायर रूट, इस साइड चले जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा के इज इक्वल टू। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सी बात है, 4 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, फिर फाइनली 16 आ जाएगा, यानी के और एल दोनों हमारा 16 आया है। और हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट के लिए जो जो यूनिट चाहिए था लेबर कैपिटल का वो हमें मिल गया, तो यहाँ हम कर देंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय
16 और 16 और फिर इधर यहाँ हम कर देंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 16 और जब आप इसे और सोल्व कीजिएगा तो 480 आएगा, फिर प्लस होगा 604 और जब आप इसे इसका इसको भी ऐड कीजिएगा तो 1120 आपका आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आया और जब आप ऑप्शन में देखिएगा तो ये सबसे नज़दीक है 1120 के, तो यही हमारा सही ऑप्शन भी